परम शांति बापू जी। परम शांति पर। बापू जी, आज मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे आपने पहले भी बताया कि जो दिव्य आत्मा है उनके आकारी रूप भी है, अब वो आकारी रूप कहाँ है, क्या उनको मदद करते हैं, किन किन के आकारी रूप होते हैं, उसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताइए। देखो, पहले भी मैंने कई बताया है कि जैसे सृष्टि साकारी सृष्टि है ना, जी ऐसे आकारी सृष्टि भी सूक्ष्मतम है, सबस्टल वर्ल्ड है। तो साकार में जो मृत्यु लोक में मनुष्य है उसका आकारी रूप कहाँ 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 होता है, तो अलग अलग कैटेगरी की आत्माएं हैं धरती पर। हम बड़े रूप से तो चलो हम पहले बेहद की आत्माओं के स्वरूप होते हैं। बेहद की 9,16,000, 108, 1,008, 108, 1,008 का तो आकारी रूप ऊपर में है, वो पहले भी बताया हुआ है, वेद की कला के विमान में है। मगर जो 16,000-9,00,000 की और कुछ सूक्ष्मतर में कुछ स्पेशल कैटेगरी की भी आत्मा है बेहद की, उनके कुछ साकार में भी हैं, कुछ आकारी रूप में भी हैं। क्योंकि कई आत्माओं को जब 5,000 साल से धरती पर ये आई जन्म मरण के चक्र में, वेद की आत्मा की बात करता हूँ, वेद की आत्मा जब जन्म मरण के चक्र में आई, तो कोई 500 साल 1,000 साल पहले भी जब शरीर छोड़ने के बाद आकारी रूप में गया, तो ऐसी आत्माओं को ज्ञान मिला, इन लोगों ने ज्ञान लिया। तो जिन जिन काफ़ी बेहद की आत्माओं ने ज्ञान लिया, पहाड़ों पे गए और वहाँ ऋषि मुनि के बड़े बड़े हिमालय में जो पहाड़ों में गए ना, हम बोलते हैं ना वहाँ बड़े बड़े आश्रमों में, तो ज्ञान गंगा वहाँ बहती है, तो ज्ञानगंज। ज्ञानगंज में, हिमालय में ज्ञानगंज में तो हमेशा रहता है ना ज्ञानगंज, तो हमेशा का है। तो ये आत्माएं जाती हैं तो फिर वो आकारी रूप में भी रहती हैं और अपना एक सेल डाल के धरती पर मृत्यु लोक में मनुष्य भी रहते हैं ज़्यादातर, चाहे देवता, तो देवता ऊपर से स्वर्ग में भी रहते थे, अपना एक सेल डाल के मृत्यु लोक में भेजते थे। जैसे राम के वक्त देवता भी आ गए ना, देवता कैसे आए, बंदरों के रूप में राम को मदद करने के लिए देवता भी, तो वो उसका सेल था, असली देवता ऊपर में थे, उसका सेल था। तो जैसे ये बताया जाता है कि इंद्र का जो लड़का अर्जुन था, सूर्य का जो पुत्र हाँ, ये था, उसके था सेल थे ना, उनके सेल थे। जैसे कर्ण सूर्य पुत्र, तो कर्ण सूर्य का एक सेल था कर्ण, ऐसे कई सूर्य के अवतार भी हुए, इंद्र के भी अवतार हुए, सभी के अलग अलग अवतार हुए ना, सभी जो पांडव हुए, कौरव भी किसके थे, असुरों के थे। तो ठीक है, तो अब जो हमारे आकारी रूप कहाँ होंगे? सबके अपने अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग रूप में हैं, कईयों के बुभुरु लोक में भी हैं, कईयों के स्वर्गलोक में भी हैं, कईयों के ऊपर महालोक में भी हैं, वो रूप, कईयों के शिवपुरी में भी है। अच्छा, कई हाई क्वालिटी आत्माओं के शिवपुरी में भी है, उस शिवपुरी से ऑब्जर्व करके उनको हेल्पलाइन वहां से भेजते हैं। हाँ अभी भी देते हाँ, हैं। अभी भी भेजते हैं, शिवपुरी में भी है, विष्णुपुरी में भी है, गोलोक में भी है। क्या देव जो गोपी आई थी वो कहाँ से आई थी, कृष्ण अवतार में, वो गोलोक से आई थी ना, हाँ वो तो सही है, तो विष्णुपुरी से उसके ही आई थी। ओरिजिनल रूप में तो ऊपर में भी थी, नीचे भी थी, उसके सैल थे, अवतार तो थे। वो ऊपर क्या करते हैं? ऊपर में भी रहते हैं वहाँ, जैसे मृत्यु लोक है ऐसे ऊपर में रहते हैं। वहाँ तीन आधा परम तत्व है ना, तो परम तत्वों में है ना, तो परम तत्वों में तो अतींद्रिय सुख होता है ना, इंद्रियों से परे परम तत्व परम सुख होता है ना। तो वो जो आकारी रूप है, ये धरती लोक के मनुष्य जो उन्हीं का रूप धरती पे आया है, क्या उनको वो जागृत नहीं कर सकते? वो फिर धीरे धीरे वो आत्मा खुद डूब गई ना, तो फिर वो ज्यादा वो हेल्प करने की कोशिश करते, मगर वो आत्मा जैसे कुएं में गिर रही आत्मा, उसने रस्सी भी डाली मगर वो पकड़े तो खींचे ना ऊपर, तो आत्मा फिर जन्म मरण के चक्कर में आत्मा आ जाती है, फिर क्या करें। अभी कईयों के कभी पुरुषार्थ करके ऊपर चले जाते हैं, वापस चले जाते हैं, कई पुरुषार्थ कर वापस चले जाते हैं, कई नहीं पुरुषार्थ करते यहाँ रह जाते हैं। तो ऐसे 9,00,000 की भी हैं, 16,000 की भी, सबकी है ना, 33 कोटि देवताओं की भी तो बहुत हैं। तो दूसरे ये यूनिवर्स से आए हुए ग्रेट, उनकी भी रचना की रचना की रचना है, यहाँ फंसी पड़ी है। 800 करोड़ जो मनुष्य हैं उसमें साकार में भी हैं, उसका आकारी रूप भी हैं, स्वर्गलोक में भी हैं। तो वो बाबूजी, ये आत्माएं जो इस वक्त मनुष्य बन गई, उनको जागृत क्यों नहीं करती? वो आकारी रूप उन्हीं के वो रूप में। हेल्पलाइन को रेज मारती है ना, अच्छा मगर वो जो साकार में आत्मा है
इतनी माया में फंसी पड़ी है कि वो रेज पकड़ नहीं पा रही है। समझ में वो आत्माएं उसकी रेज पकड़ नहीं। बाबूजी बहुत साल पहले आप ये पढ़ाते थे बहुत साल पहले कि आप अपने अव्यक्त अपने आकारी रूप से अव्यक्त स्वरूप से पावन लीजिए, आपने एक बार ये सिखाया था। हाँ तो कईयों के हैं, कईयों के ज्यादातर लोगों के तो अव्यक्त स्वरूप है, ज्यादातर लोगों के। मैं समझता हूँ ज्यादातर लोग जब ज्ञान हो जाता है ना तो वो खुद नहीं आते, अपने सेल डाल देते हैं मनुष्य अवतार में और खुद आकारी रूप में रहते हैं। मतलब 9 लाख आत्माओं का भी? हाँ 9 लाख का भी आकारी रूप है, वो सेल रूप में है, यहाँ समझ लो साकारी रूप है उसके, 9 लाख के सेल है, आकारी रूप में ऊपर में है। अच्छा कुछ यहाँ भी है, उसके आसपास भी है, अपने साकार के आसपास भी है, वो रेंज मार मार के उठा रहे हैं, सब ज्ञान के लिए भटक रहे हैं चारों, सभी के हैं, ज्यादातर के वो होते हैं। ये नया बहुत पॉइंट दे रहा हूँ, पहले नहीं दिया मैंने, बेहद की आत्माओं के लिए नहीं दिया, ये नया पॉइंट है बेहद की आत्माओं के लिए। जैसे 33 कोटि देवताओं के बता ना, वो ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से दूसरे परात की शुरुआत में आए, उनको आए 198 करोड़ साल हो गए देवताओं को, तो उन्होंने ऊपर से आए पहले परमधाम में निराकारी, फिर शिवपुरी में आए, फिर विष्णुपुरी में आए, फिर ब्रह्मापुरी में आकर, फिर उन्होंने भी नीचे आते गए तो बहुत सर्जन किया, एक ने कई बार, एक एक आत्माओं ने कई बार सर्जन किया, तो उसकी पावर डाउन होती गई। मगर आकारी रूप में भी है, साकार में भी, देवता कुछ साकार में है, कोई आकारी रूप में है, तो ये सब जगह रहे, साकार आकार सब मिलके काम कर रहे। इसमें और कोई पहन समझ में ना, बात पूछो सब ना, समझ तो आ ही गया कि भाई जो और ज्यादा पावर, ज्यादा साकार में बहुत भोगी बन जाता है ना आत्मा, बहुत भोगी, उसके ऊपर 5 तत्वों का ओवरलोड, मतलब बहुत भोगी बन जाता है। तो पहले नीचे पाताल लोक में जाते थे ना, असुर बन जाते थे, महाअसुर पाताल लोक में चले, मगर अभी तो ये पाताल लोक तो अब रहे नहीं है, अभी नीचे, पहले 7 पाताल थे ना, अतल वितल सुतल तलातल महातल पाताल रसातल, ये सब नहीं है अभी। तो धरती पर मनुष्य भी है, देवता भी है, दानव भी है, गांधर किन्नर यक्ष सब हैं, यहाँ ऊपर से आई हुई सब आत्माएं मनुष्य रूप में है, दूसरे भी कई अलग अलग जगह से आई हुई आत्माएं मनुष्य रूप में है। इसलिए अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय की आत्मा कहाँ से आई, उस पर कई वीडियो है मेरे, तो समझना चाहिए, क्योंकि एक दूसरों को सामने क्यों नहीं मानते, उसके भगवान को अपने छोड़ के क्यों नहीं मानते, जितना भी समझाओ नहीं हो। तो यस, अभी तो आज के लिए तो ये बात समझ आ गई है, तो ज़रूर से हमारी चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और हमारा जो मेन प्लेलिस्ट है अनस्पोकन ट्रूथ बाय बाबूजी का, ज़रूर से पूरा देखिए, तो धीरे धीरे आपको आत्मज्ञान की ओर आप आगे बढ़ पाएंगे। बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद, बेहद की परम आशा, परम शांति, परम शांति। परम शांति, सोचो बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो